एपीजे अब्दुल कलाम लेक्चर दे रहे थे उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो दुनिया छोड़कर चले गए कैसा संयोग है कि काम करते करते वो इस दुनिया से गए ऐसा ही कुछ संयोग बना एक्टर अरुण बाली के साथ अजब इत्तेफाक है कि शुक्रवार 7 अक्टूबर 2022 के दिन उनकी फिल्म गुड बाय रिलीज हुई और इसी दिन उनका निधन हो गया उन्हें कुछ महीने पहले मुंबई के हीरा नंदानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था वो लंबे समय से मायास्थीनिया ग्राविस नाम की एक न्यूरो बीमारी से जूझ रहे थे 23 दिसंबर 1942 को जन्मे अरुण बाली ने कभी नहीं सोचा था कि एक्टिंग में भी हाथ आजमाएंगे। वो सिंगर थे पर बड़े भाई योगेंद्र बाली पहले से ही एक अच्छे कलाकार थे वो भी किसी तरह अभिनय की ओर मुड़ गए उन्नीस सौ के आसपास अरुण एक ओपेरा कर रहे थे सोनी माहिवाल चूंकि जो किरदार अरुण कर रहे थे सोनी के हस्बैंड का था उसमें बुलंद आवाज चाहिए थी और उनकी आवाज तो शुरू से ही बुलंद थी वो गायन में भी पारंगत थे छह महीने तक रिहर्सल हुई फिर कहा गया आ जाओ स्टेज पर अब एक्टिंग करो अरुण का ये पहला बड़ा काम था वो स्टेज पर एक्टिंग के लिए गए घबराहट में उनके पैर कांपने लगे सामने बहुत सारी लड़कियां थी वो उनके सामने नर्वस हो गए डायलॉग्स भूल गए सुर ऑफ हो गए डायरेक्टर ने डांटना शुरू किया अरुण को बुरा लग गया अगले दिन से उन्होंने जाना ही बंद कर दिया उन्हें लगा कि थिएटर उनके बस की बात नहीं है

अरुण कहते हैं कि राम अवतार शर्मा और सलीमा रजा ने जो सिखाया मैं वही अपने पूरे करियर निभाता रहा सोनी महिवाल ओपेरा करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा कि उस दौर में दिल्ली में हुए नौ ओपेरा में से अरुण ने आठ में काम किया थिएटर में उन्होंने खूब काम किया फिर मौका आया टेलीविजन में काम करने का फिल्म मेकर लेक टंडन के सीरियल दूसरा केवल से अरुण ने टीवी में काम करना शुरू किया इसमें शाहरुख खान भी थे उसके बाद राही मासूम रजा के लिए नीम का पेड़ में काम किया इसमें उनके साथ पंकज कपूर लीड रोल में थे अरुण ने कुछ काम ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी किया जब उन्हें पता चला कि अरुण बाली नीम का पेड़ में काम कर रहे हैं उन्होंने अरुण से इस सीरियल की कैसेट लाने को कहा अरुण ने 26 एपिसोड की कैसेट लाकर उन्हें दी और ऋषिकेश मुखर्जी ने एक सिटिंग में सारे एपिसोड देख डाले फिर उनकी कॉपी बनाकर अपने पास भी रखी जब पहली बार अरुण ऋषिकेश तो अरे तू कहा था मैं तो तुझे बहुत दिन से ढूंढ रहा था। दिलीप कुमार ने अपने जीवन में सिर्फ एक फिल्म डायरेक्ट की कलिंगा इसमें जैकी श्रॉफ अमजद खान और शिल्पा शिरोदकर मुख्य भूमिकाओं में थे पर कुछ ऐसा हुआ कि 90 प्रतिशत बनने के बाद फिल्म बंद हो गई इस फिल्म में अरुण बाली ने भी काम किया था जब उन्हें पता चला कि दिलीप साहब कोई फिल्म बना रहे हैं वो उनके पास काम मांगने पहुंचे दिलीप साहब ने कहा कोई रोल तो नहीं है बैठो चाय पियो थोड़ी देर बाद बोले अच्छा एक छोटा रोल करोगे अरुण को तो काम चाहिए था उन्होंने हाँ कर दी फिर आगे जाकर दिलीप कुमार ने उन्हें एक बड़ा रोल ऑफर कर दिया जो वो पहले किसी और को देने का वादा कर चुके थे अरुण ने यही कहा कि आप तो ये रोल किसी और को कमिट कर चुके हैं दिलीप साहब ने कहा फिल्म में कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं होता सब कुछ सुटेबिलिटी होती है अब ये रोल तुम करोगे दिलीप कुमार के साथ काम करने को लेकर अरुण बाली बहुत नर्वस थे जबान लड़खड़ा रही थी पैर कांप रहे थे पसीने छूट रहे थे दिलीप कुमार ने एक्शन बोला अरुण बाली ने जल्दी जल्दी डायलॉग डिलीवर कर दिया वो एक इंटरव्यू में कहते हैं डायलॉग डिलीवरी इतनी फास्ट पेस में थी कि मुझे लगा जैसे मैंने उल्टी कर दी हो अरुण एक और टेक लेना चाहते थे पर उन्हें दिलीप साहब से ये कहते हुए भी डर लग रहा था क्योंकि वो फिल्म रील का जमाना था जितनी बार टेक होते थे उतनी बार फिल्म खराब हो जाती थी डरते घबराते अरुण दिलीप साहब के पास पहुंचे उनसे दोबारा टेक करने की गुजारिश की दिलीप साहब मान गए पर टेक होते गए ढंग की परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही थी अंत में 20 टेक के बाद वो शॉट फाइनल हुआ अरुण कहते हैं हर सीन के बाद मैं सहम जाता था कि अब दिलीप कुमार मुझे फटकार लगाएंगे पर हर नए टेक के बाद वो कहते बेटा तू चिंता ना कर जब तक तुझे संतुष्टि ना मिले टेक करता रहे हमें लोगों को तेरा बेस्ट काम देना है अरुण 1961 सौ बासठ के आसपास से ही दिल्ली में थिएटर करने लगे थे पर कैमरे केवल डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बनाया था जब वो सम्राट पृथ्वीराज बना रहे थे उनसे अरुण ने कहा था कि अब तुम चाणक्य जैसा कुछ नहीं लिख पाओगे अरुण का मानना था कि उसका लेखन कुछ ऐसा है कि द्विवेदी जी से खुद पढ़े तो उन्हें लगेगा कि ये मैंने लिखा है क्या उन्होंने इसके बाद स्वाभिमान, अरुण आपको जरूर याद होंगे उन्नीस सौ इक्यानवे में आई सौगन से उनका बड़े पर्दे पर डेब्यू हुआ फिर 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हे राम में उनके रोल सोहरा वर्दी को खूब सराहा गया वो कई बड़ी फिल्मों जैसे राजू बन गया जेंटलमैन फूल और अंगारे सत्या लगे रहो मुन्ना भाई थ्री इडियट्स पीके और लाल सिंह चड्ढा में नजर आए उनकी आखिरी फिल्म गुड बाय रही जो 7 अक्टूबर को रिलीज हुई उसी दिन जिस दिन वो हम सबको गुड बाय करके चले गए फिलहाल इस खबर में इतना ही आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने मैंने हारका यादव देखते रहिए ललन टॉप शुक्रिया